सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के बिलाईगढ़ जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम टुंडरी में कल कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए गए, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिस वजह से थाने तक का नेताओं को सफर करना पड़ा। दरअसल कल ग्राम टुंडरी में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे, साथ में क्षेत्र की विधायक कविता प्राण लहरे भी थी। इस दौरान कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी किया, जबकि कांग्रेस अपनी निकटतम और परंपरागत विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां कोई नारा नहीं लगाया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बहुजन समाज पार्टी के दलालों को जूता मारो सालों को जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो बेहद ही विवाद पैदा करने वाला नारा है। इसके खिलाफ में बीएसपी की ओर से थाना में FIR दर्ज कराई गई है। जिस समय इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे, उस समय पूर्व मंत्री और जांजगीर लोकसभा सीट के वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया भी मौजूद थे और मुस्कुरा भी रहे थे। इस घटना के बाद पुरानी बातें फिर से ताजा होने लगी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग विरोधी पार्टी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस देश के बहुजनों को, जिसमें SC ST OBC वर्ग के लोग आते हैं, उन्हें गुमराह करने के लिए दोनों पार्टी एक दूसरे को विरोधी बताते हैं, जबकि दोनों ही पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू मालूम पड़ रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बातें पिछले कई दशकों से लोगों के बीच चर्चा भी रही है और कई टीवी चैनलों में इस बात पर बहस भी हो चुकी है। जिंदाबाद।